और आज मेरी फर्स्ट डॉक्टर विजिट थी तो अनिका, आज तो बहुत मजा आया, आज बहुत मजा आया बेबी को। चलो चले, दो मम्मा को हाथ दो। हाय अनिका ने आज शॉपिंग करी, बहुत सारी शॉपिंग करी आज। मम्मा ने क्या क्या चीजें दिलाई अनिका को बता दो। ड्रेस, ड्रेस और व्हाट, और व्हाट? अभी आपको बैठना था, अभी आप थक गए थे ना। सो दिस वी हैव डन आवर शॉपिंग। गाइस, मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के कुछ दिन पहले एंड दिवाली के कुछ दिन बाद की बात है। मैंने उस दिन नूडल्स बनाए थे और अनिका के पापा गए थे ऑफिशियल टूर पे बाहर 3-4 दिनों के लिए, तो मैंने मोमोज, नूडल्स और इस टाइप की चीज़ें अलग अलग दिन बनाई थी स्पेशली अनिका के डिमांड पर। और मूड कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, तबीयत भी नहीं अच्छी लग रही थी और कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था, चटपट चटपट। लेकिन लो बेबी, ये हाय गाइस, मैं थोड़ा सा बिचारी बिचारी सी दिख रही हूँ, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, दैट्स इट। और इधर लगभग 6-7 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही लग रही है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। कुछ दिन फीवर भी था तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और फिर मेडिसिन लेकर के आई। सर्दी जुकाम भी था और पूरा दिन बॉडी एकदम अजीब सी फील हो रही थी, फीवरिश फीवरिश लग रहा था। तो अभी बहुत थकान रहती है। तो अभी हमने क्या किया कि आज हो गए हैं 12 नवंबर हो गई है आज, और 9th से हमने फुल टाइम मेड रखी है घर पे, तो काम बहुत हो जाता है। और फिर मेरी तबीयत इधर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, अभी हाउस हेल्पर के बिना काम नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट कुछ दिन तो हम करके देखते हैं। तो हमने स्टार्ट किया है और देखते हैं कि कब तक मैं रिकवर हो पाती हूँ और क्या हो रहा है। अगर मुझे ठीक नहीं लगता है तो वापस से मैं डॉक्टर चेंज करूँगी और किसी और डॉक्टर को दिखाऊँगी। और बस यही सब चल रही है लाइफ में अपडेट। एंड वीडियोस पे मैं अभी बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं लगती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और आप मेरा चेहरा देख ही सकते हो, कितना ज़्यादा डल हो गया है। तो देखते हैं फटाफट, बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है क्योंकि जो रिक्वेस्टेड टॉपिक है अगर वो टाइम से पोस्ट नहीं हुए तो फिर फ़ायदा नहीं होगा उनको रिकॉर्ड करके रखने का, और वो एज इट इज ऐसे पड़े ही रह जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने, वो देखो मेरा डिनर रखा हुआ है, फिर डिनर करूंगी। और अनिका के पापा भी अभी आ जाएंगे, ऑन द वे हैं तो वो भी आ जाएंगे। आज है तुलसी विवाह और सुबह ही मैंने टेस्ट किया और पॉजिटिव आया। फिर मैं पूरा दिन बिजी रही क्योंकि शाम को पूजा करनी थी और मैंने प्रिपरेशन भी कर रखी थी, तो पूरा दिन उसी में निकल गया और शाम को हमने पूजा करी, भगवान से आशीर्वाद लिया। तो जैसे ही हमें पता चला कि टेस्ट पॉजिटिव है, हमने फटाफट से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली एंड उसके बाद फिर हम मॉर्निंग में निकले। तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था और ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। नहीं, सीढ़ी भी पहुंचा सकती है बट आप स्लिपरी चप्पल पहने हैं, आप तो गिर सकते हो ना बेटा। नो, डोंट टच, डोंट टच अनिका, चलो चलो चलो। बैठ जाऊँ क्या?
ठीक है मैं पीछे बैठ जाती हूँ, तुम बैठो आगे, आगे बैठो, तो मेरे ऊपर कूदना मत। बैठ जा, सो गाइस अब हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, और हमने अपॉइंटमेंट पहले ही ले ली थी तो हमें दिन का अपॉइंटमेंट मिला है और हम जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है मैं इस हॉस्पिटल में विज़िट करने वाली हूँ और डॉक्टर से मिलने वाली हूँ। नाउ लेट्स सी कि डॉक्टर क्या बताती हैं, कितने दिन हुए हैं अभी कुछ भी नहीं पता है, तो मन में एक डर भी है कि क्या होगा आगे। नाउ लेट्स सी, और जो भी होता है अपडेट मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। और कोई नियर बाय नहीं पड़ेगा? जाओ देखो अपने आप खुलेगा, जाओ ये, चलो 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 चलो, अभी देखो अभी वो यहाँ पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो, देखो खुला ना अपने आप, बस बस बस, चुप 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 चुप। सो हमारी डॉक्टर विजिट तो हो गई है और अभी मैं हॉस्पिटल में बाहर वेट कर रही हूँ सफल का, वो आएंगे फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो एक्चुअली जिस डॉक्टर को हमें कंसल्ट करना था वो इस समय लीव पर हैं, तो एक दूसरे डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया। हाय गाइस, सो अभी हम वापस आ गए हैं घर, और इट वाज नो ग्रेट डे। तो हम बाहर गए थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग हॉस्पिटल गए थे, और आज मेरी फर्स्ट डॉक्टर विज़िट थी, तो उन्होंने मुझे ट्यूसडे का टाइम दिया है स्कैनिंग के लिए, और तब तक उन्होंने बेसिक जो मेडिसिन वगैरह होती हैं तो वो सब मुझे प्रोवाइड करी हैं, एंड ट्यूसडे को स्कैनिंग होगी, देन इसके बाद में शिल कन्फर्म कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ और क्या न्यूज़ है। तो आज फर्स्ट डे था जब मैं डॉक्टर से मिलकर के आई, मतलब इस बार का ये जो मेरा मटेरनिटी पीरियड स्टार्ट होने वाला है, इस बार का आज मेरा फर्स्ट डॉक्टर विजिट था। सो टुडे इज 16th of November, एंड मैंने यानी कि कल मैंने मॉर्निंग में टेस्ट किया था 15th of November को। आइसक्रीम खा रही है। सो वी वेंट आउट, और फिर उसके बाद हम लौट रहे थे, तो फिर हमने रास्ते में कुछ चीज़ें परचेज करी, लाइक हम हल्दीराम्स होते हुए आ रहे हैं और मुझे कुछ चीज़ें खाने पीने की चाहिए थी, तो मैंने ये कुछ परचेज किया है, और मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था रसमलाई खाने का, सो वो मैं लेकर के आई हूँ, अभी मैं खाऊंगी, और बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। वैसे तो मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, और मैं इस बार की जर्नी की सारी चीज़ें आपके साथ में वन बाय वन शेयर करूँगी। सो आई जस्ट होप सब अच्छे से रहे। अभी तो बिल्कुल मेरी स्टार्टिंग है तो तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही लग रही, मैंने ऑलरेडी अपडेट भी किया था कम्युनिटी पोस्ट पे कि तबीयत मेरी बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, इस वजह से वीडियोज़ वगैरह डिले हो सकते हैं और हो रहे भी हैं, बहुत दिन से काफ़ी सारे वीडियोज़ डिले हो गए हैं दोनों ही चैनल पर, और सब लोग पूछ रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो बहुत जल्दी मेरा प्लान था आपको बताने का, बट कुछ चीज़ें थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मैंने सोचा एक बार सब कुछ अच्छे से कंफर्म हो जाए उसके बाद ही हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। चेहरे की तो पूरी बैंड बची है, यहाँ पिंपल, यहाँ पिंपल, यहाँ पिंपल, हर जगह पिंपल, और मैंने बीबी क्रीम लगाई है इससे थोड़ा सा ग्लो दिख रहा है चेहरे पे, अदरवाइज ग्लो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा चेहरा ख़राब हो चुका है, ख़राब इतना भी नहीं हुआ है बट स्टिल थोड़ा सा यू नो पिगमेंटेशन सा फील हो रहा है जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, और मेकअप करने पे और भी ज़्यादा गंदा लग रहा है, मेरा तो बिल्कुल भी मेकअप करने का मन नहीं होता, बिल्कुल रेडी होने का मन नहीं होता है, और आई डोंट नो मैं कैसे करने वाली हूँ सब कुछ। सो लेट्स गेट फिंगर क्रॉस्ड, आई विल कैच यू लेटर गुड न्यूज़ के साथ, बाय बाय।